इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं एमसीसी काउंसलिंग के शेड्यूल के बारे में। काफ़ी सारे बच्चे वेट कर रहे थे, सर एमबीबीएस की, बीडीएस की, बीएससी नर्सिंग की हम काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, उसका शेड्यूल बता दीजिए। जैसे कि आपको पता है एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे हम हैं, यहाँ पे आपका ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑफिशियल शेड्यूल पब्लिश हो गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे जाएंगे यूजी के मेडिकल काउंसिल पे, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ही ऑप्शन पे मिलेगा कि काउंसलिंग शेड्यूल आपका आउट हो गया है। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि काउंसलिंग शेड्यूल में आपने कैसे कैसे रजिस्ट्रेशन करना है आपने, और आपके क्या कट ऑफ हो सकती है एक्सपेक्टेड, और कितने मार्क्स पे आपको एमसीसी काउंसलिंग करवानी चाहिए। काफ़ी सारे बच्चे बोलते हैं सर हमें स्टेट काउंसलिंग में अपेयर होना चाहिए, एमसीसी के ऑल इंडिया काउंसलिंग में अपेयर होना चाहिए। तो दोस्तों उसके लिए हम आपको एक बेस्ट ओपिनियन बताते हैं। जैसे कि आपको पता है दोस्तों किसी के स्टेट के अंदर एक या दो कॉलेज ही होते हैं तो जिसके अंदर कट ऑफ हाई जाती है। जैसे कि हरियाणा स्टेट की बात करूँ तो मैं कट ऑफ हाई जाती है 600 पिछले साल गई थी, 37-38 गई थी। वहीं एमसीसी की लास्ट राउंड की कट ऑफ गई थी आपकी 623 मार्क्स पे जनरल कैटेगरी पे। तो दोस्तों आपको ऐसा फ़ायदा है कि आप दोनों जगह काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करवाएं, जहाँ से आपको अच्छा कॉलेज मिले वहाँ से आप ले सकते हैं। पैरेलली दोस्तों इनकी काउंसलिंग नहीं चलती है। काफ़ी सारे बच्चे बोलते हैं सर हमें एमसीसी के थ्रू कॉलेज अलाउट हो गया और स्टेट के थ्रू कॉलेज अलाउट हो गया तो हमें क्या करना पड़ेगा। दोस्तों ऐसा नहीं होगा, पहले आपका एमसीसी का फर्स्ट राउंड होगा, बाद में उसके सेकेंड राउंड होगा स्टेट का आपका। दोस्तों ऐसी सब्स्टिट्यूंट सीट्स पे दोस्तों आपके राउंड चलते रहते हैं, तो आपने टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पहले एमसीसी का फर्स्ट राउंड हो गया, बाद में आपका स्टेट का फर्स्ट राउंड होगा, एमसीसी के सेकंड राउंड के बाद आपका स्टेट का सेकंड राउंड होगा, ठीक है। तो गैप बना के इनके राउंड चलते रहते हैं, तो आपने टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब बात आती है सर एमसीसी की काउंसलिंग के बारे में, आप बता दीजिए। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों इस स्क्रीन पे हम ऑफिशियल इनका डाटा लेके आ रखे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन इनके चालू होंगे 14 अगस्त से लेके 16 अगस्त के बीच में, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद आपने रजिस्ट्रेशन की फ़ीस कब भरनी है, यहाँ पे अपने रजिस्ट्रेशन की फ़ीस भर सकते हैं। आपको पोर्टल ओपन रहेगा 14 अगस्त से लेके 20 अगस्त तक। दोस्तों मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि 20 अगस्त से आप पहले ही कर दीजिएगा, क्योंकि 20 अगस्त को बहुत ज़्यादा वेबसाइट पे एरर आ जाता है, इतना सर्वर हाई हो जाता है कि दोस्तों 20 को पेमेंट नहीं हो पाती, इसके कारण काफ़ी सारे बच्चे की पेमेंट रुक जाती है, रजिस्ट्रेशन फेल हो जाता है। चॉइस फिलिंग की बात आए तो जैसे आपको पता है कि आपने 14 तारीख को रजिस्ट्रेशन करवाया है, इसके बाद आपको 16 तारीख को आपकी चॉइस फिलिंग और लॉकिंग आपकी खुल जाती है, जहाँ पे आपने अपनी प्रेफरेंस लिस्ट अपलोड करवानी पड़ती है। अब दोस्तों इसमें सबसे महत्वपूर्ण आपका काम आता है कि प्रेफरेंस लिस्ट बनाने का। काफ़ी सारे बच्चों को यही नहीं पता होता है कि प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनाएं, कौन सा कॉलेज कैसा है उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। वो बस ये देखते हैं कि हमारे आसपास में कॉलेज, हमने यहाँ पे इसको अपने प्रेफरेंस पर रख लिया और उस बच्चे को उस स्कोर के हिसाब से एक अच्छा कॉलेज मिल सकता था, वो उस कॉलेज को नीचे रख देते हैं। तो इसलिए हम आपको बोलते हैं हमसे डिटेल गाइडेंस लीजिए, जिसके कारण आपको हर एक कॉलेज के बारे में बता सकें, आपके मार्क्स अकॉर्डिंग जो बेस्ट कॉलेज रहेगा वो आपको दिलाएंगे गारंटी के साथ। दोस्तों आपको बेस्ट से बेस्ट ऑल इंडिया की काउंसलिंग करवाएंगे अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो आपको गाइडेंस के लिए आपको क्या करना है, नीचे दिए गए इंस्टाग्राम लिंक पे कमेंट करना है, वहाँ पे जाके आपसे हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। पर्सनली हम आपको गाइड करेंगे, आपको बेस्ट से बेस्ट प्रेफरेंस लिस्ट बना के देंगे, जिसके कारण आपको कॉलेज अलॉट हो सके। अब बात आती है दोस्तों चॉइस फिलिंग के बाद आपकी सीट अलॉटमेंट कब आएगा। राउंड फर्स्ट का जो आपका रिजल्ट और सीट अलॉटमेंट कब आएगा वो आपका आ जाएगा 23 अगस्त को। ज़्यादा दिन का गैप नहीं है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 14 को स्टार्ट हुआ है, 23 को रिजल्ट पब्लिश हो गया है, ठीक है। और उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी जो कि आपकी यहाँ पे चल सकती है 31 से 31 तक, ठीक है। ज़्यादा तो बिल्कुल टाइम ही नहीं है फर्स्ट राउंड में, यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग 15 दिन लगेंगे, सेकंड राउंड इससे भी कम समय में हो जाएगा आपका 4 से 5 तक, 2 दिन ही रजिस्ट्रेशन चलेंगे यहाँ पे। इसके पेमेंट कम करने के बाद आपका रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा दोस्तों 13 तारीख को और आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी 21 सितंबर को, ठीक है। इसके बाद थर्ड राउंड चलेगा आपका 25 सितंबर से, देख सकते हैं आप 25 सितंबर से चलेगा। इसके बाद आपका रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा 5 अक्टूबर को। अब काफ़ी सारे बच्चे बोलते हैं सर हमारे कॉलेज कब स्टार्ट होंगे, तो दोस्तों आपने टेंशन नहीं लेनी, आपके पास अभी लंबी छुट्टियां हैं, आप मान के चलेगा आपके नवंबर फर्स्ट वीक से आपके कॉलेज स्टार्ट होंगे। ऐसा ही होता है, नवंबर दिसंबर में कॉलेज स्टार्ट होते हैं, चाहे वो एमबीबीएस के हों, बीडीएस के हों, आईएएस कोर्सेज के हों, तो आपने अच्छी तरह से दोस्तों अभी इस टाइम को यूटिलाइज करना है। कोई नई स्किल सीखेगा घर में बैठ के, और आपको किसी प्रकार की गाइडेंस के रिलेटेड दोस्तों क्वायरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब बात आती है मेनली कि सर हमें कितने मार्क्स पे ये एमसीसी काउंसलिंग में अपेयर होना चाहिए। तो लगभग आपको एमबीबीएस की इस साल सोच रहे हैं तो 620 प्लस होने चाहिए आपके पास, जब भी आप दोस्तों एमबीबीएस के लिए सोचेगा इस साल, क्योंकि इस साल काफ़ी ज़्यादा हाई रैंक पे कट ऑफ जाएगी। इसके बाद आती है बीडीएस की, बीडीएस के आपके पास मिनिमम मार्क्स होने चाहिए 560 प्लस, और बीएससी नर्सिंग के लिए आपके होने चाहिए दोस्तों जनरल कैटेगरी के 470 से प्लस ही होने चाहिए। इतने मार्क्स से तभी आप एमसीसी काउंसलिंग पे अपेयर हो जाएगा दोस्तों, नहीं तो आपका कोई बेनिफिट नहीं होगा एमसीसी काउंसलिंग में अपेयर होने का। इसके अलावा जितने भी काफ़ी सारे बच्चे मेरे दोस्त मित्र काफ़ी सारे बच्चे परेशान हो रहे हैं कि सर हमारे इस साल मार्क्स कम आए हैं, हम प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने चाहते हैं, तो क्या प्रोसेस रहती है प्राइवेट कॉलेज में एमबीबीएस में
एडमिशन करने के लिए दोस्तों आपको डिटेल में बताएंगे, आपको पर्सनली आपकी हर एक क्वेरी का आंसर देंगे। तो आपको क्या करना है, नीचे देंगे इंस्टाग्राम लिंक पे हमसे डायरेक्ट मैसेज करना है, कॉन्टैक्ट करना है, जहाँ पे हम आपको डिटेल में गाइडेंस दे सकें। ठीक है, अब बात आती है सर BMS के बारे में, बता दीजिए आयुष काउंसलिंग के बारे में। आयुष काउंसलिंग दोस्तों इसके फर्स्ट राउंड के बाद लगभग आप मान के चलिएगा 21 से लेकर 24 तारीख तक आयुष काउंसलिंग जो CCC काउंसलिंग है दोस्तों आपकी, वो स्टार्ट हो जाएगी 21 तारीख तक। तो आपने टेंशन नहीं लेना है, आपने दोस्तों आपकी प्रेफरेंस लिस्ट बनवानी हो हमसे, आपसे गाइडेंस लेनी हो, आपने कमेंट करके पूछ लेना है, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं आप हमारे इंस्टाग्राम पे डायग्राम हैंडल पे, जहाँ पे हम आपको इंस्टेंट रिप्लाई दे देंगे आपकी सारी क्वारीज का। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ऐसी मोर इंटरेस्टिंग वीडियो हम लेके आते रहते हैं, काउंसलिंग के रिलेटेड सारी डाटा सारी एनालिसिस करके आपको बताएंगे आपके लिए बेस्ट से बेस्ट क्या वे रहेगा जहाँ पे आपको कॉलेज अलॉट हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।